नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वक्त वाकई में ये कहते हुए आप सभी को हमें भी तकलीफ हो रही है कि सानिया मिर्जा को अपने बेटे के लिए भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत के तरफ से एक ट्वीट किया गया कि सानिया मिर्जा और उनके बेटे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, किसी और की हुई गलती की सजा भारत देश नहीं भुगतेगा और सानिया और उनके बेटे को पाकिस्तानी करार दिया गया, उनके बेटे को पाकिस्तानी बच्चा कहा गया, जिससे सानिया को वाकई तकलीफ हुई। सानिया मिर्जा पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनके बेटे के लिए भी पाकिस्तानी बच्चा जैसा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शोएब मलिक से शादी की जो कि भारत नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे। अब शोएब ने तीसरी शादी की है और सानिया से उनका तलाक हो चुका है। सानिया के पिता ने रिवील किया, खुला के माध्यम से सानिया ने अपनी मर्जी से शोएब से अलग होने का फैसला लिया। अब जो है इस बीच एक और खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो ट्वीट सानिया और उनके बच्चे के लिए की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ फेक थी। हेमंत ने वो ट्वीट नहीं की, वो फेक ट्वीट वायरल किया गया जिसके ज़रिए सानिया को पूरी तरह से एम्बैरेस किया गया। सानिया मिर्जा बहुत तकलीफ में है। सानिया मिर्जा जो पहले डिप्रेशन का सामना कर चुकी है, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तंग आकर सानिया बहुत स्ट्रेस में रह रही थी, जिसके कारण उन्हें डिप्रेशन ने एक बार फिर से अपनी चपेट में लिया था। इससे पहले साल 2018 में डिप्रेशन का सामना कर चुकी है सानिया। 4 महीने इस बीमारी की वजह से महीनों खाना तक ठीक से नहीं खा पा रही थी सानिया। उन्हें इस बीमारी ने एक बार फिर घेर लिया है, क्योंकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही हैं। इस अकेलेपन का दुख बहुत ही दर्द दे रहा है सानिया मिर्जा को। खैर, सानिया कई बार इमोशनल हुई थी। आपको याद हो तो सानिया काफ़ी रोई थी जब अपने सिटीजनशिप को लेकर उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।